पोहरी में लगातार खाद बीज की दुकानों पर नकली खाद बीज, एक्सपायर डेट की दवा बीज मिलने की शिकायत लगातार पोहरी एसडीएम मुकेश सिंह को मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर एसडीएम मुकेश सिंह ने बीजों की दुकान पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें राजौरिया की दुकान पर नकली दवा व एक्सपायरी डेट की दवाई बीज छापे के दौरान मिला। मौके पर ही पंचनामा के आधार पर दुकान को सील कर दिया गया। एसडीएम की कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सिपरू से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। सर, आज आपके द्वारा खाद बीज की दुकान पर कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला? ये राजौरिया खाद बीज मैसर्स करके जो कृषि सेवा केंद्र है, यहाँ पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसमें हमें लगातार सूचना मिल रही थी, आपत्कार साथियों के द्वारा भी सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है अमानक और एक्सपायर डेट की कीटनाशक खाद बीज इनका विक्रय किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर आज हमारे द्वारा अच्छा कार्रवाई की गई और उसमें एक्सपायर्ड जो कीटनाशक भी और खाद बीज भी जो है हमारे द्वारा पाए गए और इस कारण दुकान को सील कर दिया गया है। और आगे की जो कार्रवाई है उसमें ऐसे डीओ जो होते हैं हमारे खंड स्तर के, उनसे जांच करवाई जाएगी। आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी या बिल्कुल जारी रहेगी? इसमें आज हमारे द्वारा एक अन्य फॉर्म पर भी जो है जाँच की गई है, वहाँ पर एक्सपायर डेट का अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो भी यहाँ पर कृषि सेवा केंद्र हैं जो खाद बीज का विक्रय करते हैं उनका लाइसेंस, उनकी अथॉरिटी और ये सब जो है वो हम चेक करेंगे कि कोई एक्सपायर डेट का नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये जो बुआई का मौसम आया है और ये किसानों के लिए भी जो खरीफ के मौसम में इनको आवश्यकता पड़ती है खाद बीज की, तो हमारा प्रयास रहेगा ये पूरी तरह से मानक हो और ये किसी भी तरह से एक्सपायर डेट के ना हो।